दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे ऑसम गैजेट्स के बारे में जो कि काफी कमाल के रहते हैं। तो तैयार हो जाइए सीरीज पर चलने के लिए, जहां पर मिलेंगे आपको एक से बढ़कर एक नए नए गैजेट। अगर आप चाहते हैं उन्हें खरीदना तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे। प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो उन्हें भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वहीं आपका पसंदीदा गैजेट का इंतजार रहेगा मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। फिलहाल देखते हैं कि कौन रहता है इस लिस्ट के सबसे निचले पायदान पर। नंबर 14, टिप्सी ट्रे। दोस्तों ट्रे तो आपने काफी सारी देखी होंगी और इस्तेमाल करी होंगी। इसकी मदद से आप आसानी से काफी सारा खाना एक साथ में कैरी लेके लोगों को सर्व कर सकते हैं। लेकिन ट्रे का सरफेस काफी स्लिपी होता है, जिसकी वजह से अगर आप उसमें ग्लास या फिर कोई भी ऐसा सामान रखते हैं जो थोड़ा सा लंबा हो तो कहीं ना कहीं उसके गिरने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे कि कॉफी मग हो गया या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह के ग्लास हो गए, तो कहीं ना कहीं उनको कैरी करना थोड़ा सा इसमें मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं इस तरीके की ट्रे को, जो कि खास तौर पर बनाई गई है इसी काम के लिए। इसके सरफेस को हल्का हल्का खुरदुरा रखा गया है, जिससे कि आप किसी भी सामान को उसमें कैरी कर सकते हैं, जिससे कि गिरने का खतरा उसमें काफी कम हो जाता है। वहीं इसमें एक हैंडल लगा होता है, जिससे कि इसे पकड़ना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो कमाल का रहता है ये गैजेट, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं खाना सर्व करने या फिर किसी चीज को सर्व करने के लिए। नंबर 13, ऑफ ट्रैक। दोस्तों गिम्बल तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन अगर हम बात करें एक ऐसे गिम्बल की जिसमें इनबिल्ट हो एआई सिस्टम, तो ये शायद आपको थोड़ी सी नई बात लगे। लेकिन ये गैजेट कुछ ऐसा ही होता है, जहां पर आपको देखने को मिल जाता है एक स्टैंड, जहां पर आपको अपने फोन को लगाना पड़ेगा, जिसके बाद ये आपकी फोन के कैमरा की मदद से ऑपरेट होता है। इसके साथ हालांकि आपको एक रिमोट मिलता है, जिससे कि आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये इस्तेमाल करता है आपके फोन के कैमरा को आपको कैप्चर करने के लिए। इसमें इनबिल्ट एआई प्रोग्राम से काफी हद तक मददगार साबित होते हैं, आपको फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इसे लाइव रिकॉर्डिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो कमाल का रहता है ये गैजेट, जो कि फोटोग्राफर या फिर लाइव परफॉर्मेंस के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन रहेगा। नंबर 12, कैम्पस्टर। दोस्तों चेयर्स वैसे तो साइज में काफी ज्यादा बड़ी होती हैं, जिन्हें कि जनरली कैरी करना आसान नहीं होता। लेकिन अगर आप इस चेयर को देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा अचंभा लगेगा, क्योंकि ये एक ऐसी चेयर होती है जो कि एकदम अम्ब्रेला वाले सिस्टम पर काम करती है। यानी कि साइज में तो काफी ज्यादा बड़ी होगी, लेकिन जब ये सिकुड़ जाती है तो एकदम अम्ब्रेला के साइज की नजर आएगी। इसमें लगी होती है टेलीस्कोपिक बार्स, जिससे कि आप इसे ओपन कर सकते हैं, साथ ही स्टैंड की मदद से आसानी से आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर पाएंगे। वहीं दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा कम्फर्टेबल रहेगी, जिसे आप आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इसे परचेज करना तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप फटाफट कमेंट करके मुझे ये बताएं कि आप अपने पसंदीदा चैनल न्यू टेक गैजेट पर किस तरीके के गैजेट्स और देखना चाहते हैं। हो सकता है आपकी आगे आने वाली वीडियोस आपके पसंदीदा गैजेट पर बेस्ड हो, तो फटाफट कमेंट कर दीजिए उन कैटेगरीज, जैसे कि स्टूडेंट गैजेट, साइंस गैजेट, टॉय गैजेट या फिर ऑफिस गैजेट। तो आप जो भी चाहते हैं देखना तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से बताइए। नंबर 11, रोड वायरलेस गो माइक्रोफोन। दोस्तों अगर आप व्लॉगिंग करते हैं या फिर यूट्यूब पर वीडियोस बनाना चाहते हैं और एक ऐसा माइक्रोफोन चाहते हैं जो कि वायरलेस हो, तो रोड की तरफ से आने वाला ये माइक्रोफोन आपको काफी पसंद आएगा। इसकी खास बात ये होती है कि इसमें दो हिस्से होते हैं, एक रहता है आपका ट्रांसमीटर और एक रहता है आपका रिसीवर। जो कि रिसीवर रहता है उसे आपको अपने कैमरा में लगाना होगा, और ट्रांसमीटर को आप अपने पास एक माइक की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होती है, साथ ही इसकी रेंज भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। तो व्लॉगिंग करने वाले लोगों के लिए ये चीज काफी कमाल की रहती है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। नंबर 10, वियरेबल अम्ब्रेला। बरसात के मौसम में हम सभी लोग अम्ब्रेलास का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बारिश बंद हो जाने के बाद कहीं ना कहीं वो हमें थोड़ा सा भारी लगने लगता है। तो अगर आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के अम्ब्रेला को, जो कि एक ऐसा अम्ब्रेला होता है जिसे कि आपको बैकपैक की तरह पहनना होता है। दोस्तों जब भी आपको इसकी जरूरत पड़े तो आप इसे ऊपर की तरफ लगाकर एक छतरी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और जरूरत ना होने पर आप इसे एक बैकपैक की तरह कैरी कर पाएंगे। तो कमाल का रहता है इस तरीके का गैजेट, जो कि काफी यूजफुल रहेगा बरसात के मौसम में। तो कैसा लगा है आपको ये जुगाड़ू गैजेट, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर से शेयर करिएगा। नंबर 9, क्लिकबॉट। दोस्तों रोबोट्स तो आपने काफी सारे देखे होंगे अभी तक, लेकिन अगर आप चाहते हैं एक ऐसा रोबोट जिसे कि आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सके और साथ ही इस्तेमाल भी अपने हिसाब से कर सके, यानी कि प्रोग्रामिंग के ऑप्शन आपको दे रखे हो, तो ये गैजेट आपके लिए बेहद कमाल का रहेगा। छोटे छोटे कंपोनेंट्स के साथ मिलकर बनता है ये रोबोट, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। इसमें ऊपर की तरफ एक छोटा सा मास्टर कंट्रोल पीस लगा होता है, जिससे कि आप इसे कर सकते हैं कंट्रोल। साथ ही इसमें एक छोटी सी डिस्प्ले लगी होती है, और साथ ही एक छोटा सा कैमरा भी, जिससे कि कहीं ना कहीं इसे एआई इनपुट देना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो कमाल
का रहता है ये गैजेट, जिसे कि आप अपने हिसाब से डिजाइन करके अपनी जरूरत के लिए बना सकते हैं। ये आपके लिए एक गिम्बल का काम करेगा, एक कैमरामैन का काम करेगा, साथ ही आप चाहें तो छोटे मोटे टॉय भी डिजाइन कर सकते हैं इसकी मदद से। नंबर 8, क्लिक पैक एक्स। दोस्तों अगर आप एक ऐसा बैकपैक चाहते हैं जहां पर हिडन जिप्स की कमी ना हो तो ये गैजेट आपको काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है, क्योंकि इस बैग की खास बात ये रहती है कि यहां पर हर चीज के लिए आपको अलग से सेक्शन दे रखा होता है। अगर आप अपना मोबाइल फोन रखना चाहते हैं, लैपटॉप रखना चाहते हैं, टैबलेट रखना चाहते हैं, इनफैक्ट ईयरफोन के लिए भी यहां पर आपको अलग से पॉकेट दे रखी गई है। साथ ही दोस्तों इसमें पावर बैंक इनबिल्ट रहती है जहां पर आप अपनी नॉर्मल पावर बैंक भी लगा सकते हैं। वहीं दोस्तों इसके ऊपर की तरफ आपको एक लॉकिंग मैकेनिज्म भी दे रखा होता है, जिससे कि इसका सिक्योरिटी फीचर थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा। इसकी बेल्ट में भी आपको कुछ हिडन पॉकेट्स दे रखी होती है जहां पर आप ईयरफोन्स या फिर क्रेडिट कार्ड वगैरह रख सकते हैं, जो कि अपने आप में एक कमाल की बात रहेगी। तो ट्रैवल से जुड़े हुए लोगों के लिए या फिर टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए इस तरीके का गैजेट बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। नंबर 7, सिंक पेन स्मार्ट पेन। दोस्तों आपने स्मार्ट राइटिंग पैड तो अभी तक देखे होंगे जहां पर आप कुछ भी लिखते हैं तो वो फौरन सिंक हो जाता है आपके डेटाबेस के साथ। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा पेन दिखाने वाला हूं जो कि एक ऐसा स्मार्ट पेन होता है जिससे कि आप किसी भी सरफेस पर लिखेंगे वो फौरन सिंक हो जाएगा आपके डेटाबेस में। यानी कि ये पेन कनेक्ट होता है आपके मोबाइल फोन या फिर टैबलेट से, और किसी भी सरफेस पर आप कोई ड्रॉ कर रहे हैं या फिर कुछ भी लिख रहे हैं तो वो फौरन आपके मोबाइल फोन पर भी पहुंचने लगता है, जिससे कि जब चाहे आप उसे एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे डेटाबेस को शेयर करना आसान हो जाता है और साथ ही साथ ये हमेशा के लिए आपके मोबाइल फोन या फिर क्लाउड पर बना रहेगा। तो कमाल का रहता है इस तरीके का पेन, जो कि स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा। नंबर 6, स्मार्टी बॉट कार्डबोर्ड DIY रोबोट। दोस्तों रोबोट्स तो आपने काफी सारे देखे होंगे, लेकिन अगर आप अपना खुद का एक रोबोट बनाना चाहते हैं तो ये गैजेट आपके लिए काफी मददगार साबित होगा। दोस्तों इसके साथ आपको सारे अटैचमेंट्स मिलते हैं जो कि एक रोबोट में जरूरी होते हैं, साथ ही इसे आप अपनी तरह से डिजाइन कर सकते हैं, यानी कि जो भी शेप चाहें आप उसे उसी शेप में बना पाएंगे। वहीं दोस्तों इसमें आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके इसे प्रोग्राम भी कर पाएंगे और अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर आप इसे और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों में ये क्रिएटिविटी को बढ़ाता है और देखने में तो खैर अच्छा लगता ही है। तो इस गैजेट के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 5, फायर सेफ पोर्टेबल फायर पिट। दोस्तों अगर आप बोन फायर या फिर कुछ भी ऐसा करने के लिए कहीं पर आग जलाते हैं तो जब आग बंद हो जाती है तो उतनी जमीन हमेशा के लिए खराब हो जाती है। सालों साल वहाँ पर ना तो पेड़ निकलते हैं बल्कि वहाँ की मिट्टी भी काली हो जाती है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है कि ऐसा कुछ भी ना हो, जिसके लिए हम इस तरीके के गैजेट को ट्राई करके देख सकते हैं। ये एक ऐसा गैजेट होता है जिसे हमें आग जलाने से पहले इस्तेमाल करना होगा, और हम इसी पर रखकर आग जलाएंगे तो ये बहुत हद तक सेफ भी रहेगा, और जरूरत ना होने पर आग बुझाना भी बेहद आसान हो जाता है और आप कूड़े को कहीं भी फेंक सकते हैं। तो कमाल की रहती है ये चीज, जो कि कहीं ना कहीं जमीन को खराब होने से बचाएगी, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट हमेशा हरा भरा रहे। नंबर 4, रॉकेट बुक ऑर्बिट। दोस्तों नोटबुक और नोटपैड्स का इस्तेमाल तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन अगर आप एक ऐसा नोटपैड चाहते हैं जिसे कि आप बार बार इस्तेमाल कर पाएं, यानी कि जब आप चाहें उसे इरेज करके दोबारा यूज कर पाएं, तो ये गैजेट आपके लिए बेहद कमाल का रहता है। ये एक ऐसी नोटबुक होती है जिसमें जो पेजेस दे रखे होते हैं वो एकदम अलग स्टाइल के होते हैं। इसमें आप कुछ भी लिखते हैं और जिसे चाहें तो आप मिटा भी सकते हैं। वही दोस्तों ये ऑनलाइन स्कैनिंग में भी आपके लिए मददगार साबित होगा। इसके साथ आपको एक इसका ऐप मिल जाता है जहां पर आप इसे आसानी से स्कैन कर सकते हैं। वही इसमें पेज की स्टाइल को बदलने के भी ऑप्शन दे रखे होते हैं, यानी कि आप पेज पर लाइनिंग्स चाहते हैं या फिर उन पर कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके आपको डायरेक्ट ऑप्शन दे रखे होते हैं, जिससे कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर पाएंगे। तो इस तरीके के नोटपैड या नोटबुक काफी ज्यादा मददगार साबित होती है। नंबर 3, प्रिंट क्यूब। दोस्तों आजकल चीजों को कस्टमाइज करने का चलन काफी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में सब लोग चाहते हैं अपने पसंदीदा लोगो की या फिर अपने नाम की लिखी हुई टी शर्ट या फिर बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करना। लेकिन अगर आप चाहते हैं ये काम घर पर ही करना तो इसके लिए आपके लिए इस तरीके का छोटा सा प्रिंटर काफी मददगार साबित होगा। ये प्रिंटर साइज में इतना ज्यादा छोटा होता है कि इसे आप अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही इसका कंट्रोल आपके मोबाइल फोन ऐप पर रहता है, जहां पर क्या प्रिंट करना है ये सारा सब कुछ इनपुट आप दे सकते हैं इसके ऐप की मदद से। इस गैजेट को किसी भी सरफेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर वो चाहे प्लास्टिक हो या फिर वुड हो या फिर आपकी खुद की स्किन ही क्यों ना हो। तो कमाल का रहता है ये गैजेट, जो कि प्रिंटिंग के मामले में बहुत ही ज्यादा मजेदार रहेगा। नंबर 2, ग्रेव ग्रिप।
दोस्तों वीडियो फुटेज के स्टेबलाइजेशन के लिए पहले से ही गिम्बल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि कैमरा या फिर मोबाइल फोन एकदम स्टेबल रहे। लेकिन गिम्बल्स काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं, साथ ही उसमें बैटरीज वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि उसकी कुछ अपनी लिमिटेशंस हो जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं एक ऐसा गिम्बल जो कि बैटरी वगैरह के चक्कर से एकदम फ्री हो और साथ ही थोड़ा सा सस्ता भी पड़ जाए, तो ये गैजेट आपके लिए बेहद कमाल का रहेगा। ये एक ऐसा स्टैंड होता है जिससे कि आप अपने मोबाइल फोन या फिर गोप्रो वगैरह को लगाकर इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही इसमें आपको कोई एडिशनल सेटिंग या फिर कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसमें आप अपना कैमरा लगाइए और यूज करिए। तो कमाल का रहता है ये गैजेट, जो कि किसी भी फोटोग्राफर के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा। नंबर 1, फिलिप्स ह्यू लाइट स्ट्रिप। दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपनी टीवी जहां पर रखी है उस जगह को थोड़ा सा और भी एट्रैक्टिव बनाना, तो इस्तेमाल कर सकते हैं फिलिप्स की तरफ से आने वाली लाइटिंग को। दोस्तों ये ऐसी लाइटिंग होती है जिसे कि आपको अपनी टीवी के पीछे की तरफ लगाना होगा और आपकी डिस्प्ले पर जो भी कुछ चल रहा है ये लाइटिंग पीछे की तरफ से उसी हिसाब से रिएक्ट करेंगी, यानी कि कहीं ना कहीं आपको काफी ज्यादा ओरिजिनल वाली फीलिंग आएगी। वहीं देखने में तो ये अच्छा लगता ही है, जो कि काफी ज्यादा एट्रैक्टिव भी रहेगा। साथ ही इन लाइट्स का कंट्रोल भी आपके मोबाइल फोन से होता है। अगर आप चाहें तो इन्हें एकदम कस्टम कलर में भी जला सकते हैं अपने पसंदीदा रंग के साथ, लेकिन ओवरऑल इसमें बहुत सारे आपको अमेजिंग फीचर देखने को मिलेंगे, जिससे कि ये और भी खास हो जाती हैं। तो कैसी लगी है आपको ये लाइट, आप कमेंट करके मुझे जरूर से बताइएगा। साथ ही आप ये भी कमेंट करिएगा कि आपको सबसे बेहतरीन गैजेट इस सीरीज का कौन सा लगा है। वहीं अगर आप उसे खरीदना चाहते हो या फिर उसकी प्राइस के बारे में जानना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक्स देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।